पिताजी उतरिए, घर आ गया, घर आ गया पिताजी, उतरिए पिताजी। अरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी, 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 मुसदीलाल जी, मुसदीलाल जी। हाँ जी। वो गड्ढे में एक आदमी गिर गया है। अरे भाड़ में गया वो आदमी, मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं। अजी वो बोलता है कि आपका ही बाप है, मेरे पिताजी हैं। उसे अरे पकड़िए, पकड़िए ना इसको। पिताजी, 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 पिताजी। ओ मुसद्दी। जी पिताजी। तू खोता है। जी पिताजी। तू खोते का पुत्र है। जी पिताजी। हाँ, और किसने कहा था इतनी तेज स्कूटर चलाने के लिए? सॉरी पिताजी, पर इसमें गलती आपकी भी है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आप घर से बाहर निकला करें ना, तो जेब में कुछ चारा ठाने डाल के जाया कीजिए, ताकि जेब में थोड़ा वजन रहे, नहीं तो ऐसे उड़ के गिर जाने का खतरा रहता है। अब चुप कर, आयो मेरी टांग, आय तुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया? सॉरी पिताजी, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती जनता वर्क्स डिपार्टमेंट वालों की है। उन्होंने ना वहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाने के लिए बीच सड़क में गड्ढा खोद दिया था, वो कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था। नहीं था? नहीं था। पक्का? पक्का। अब तब तो केस बनता है। कैसा केस पिताजी? तू जनता वर्क्स डिपार्टमेंट पे केस ठोक दे। पर मुझे तो केस करना आता नहीं है। ओ खोते दे पुत्र, तू मुसद्दीलाल वकील का पुत्र है। पिताजी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं किसका पुत्र हूँ, आपका या खोते का। चंगा बेवकूफ का पुत्र, वैसे कर जैसा मैं कहता हूँ। आज तक तो वैसा ही किया जैसे आपने कहा। जा सीधा वहां जा, जनता वर्क्स डिपार्टमेंट। जी। मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं आप? मुझे एक कंप्लेन लिखवानी थी। सिर्फ एक कंप्लेन? जी अभी फिलहाल तो एक ही है। क्या कंप्लेन है? ये मेरे वो पिताजी गड्ढे में गिर गए थे। वेल डन, निकाला है अभी तक? वहीं पड़े हुए कहाँ? गड्ढे में? नहीं नहीं, वो तो जैसे वो गिरे थे ना वैसे ही हमने उनको निकाल लिया था। तो ये JWD से क्या चाहिए आपको? जी मुझे कंप्लेन करनी थी, उनके गिरते ही ना उनकी टांग टूट गई। तो कंप्लेन लिखवानी है मैंने, आप लिखेंगे कंप्लेन? जी। अपने खिलाफ? भाईजान आपकी उम्र क्या है वैसे? जी मेरी उम्र 45 बरस है। ओ यार, तो 15 साल पहले ही क्यों सठी आ गए भाई? टीना जी के पास जाओ। पांडे जी, जिस स्पीड से आप करेले भर रहे हैं उस स्पीड से अगर गड्ढे भरे तो भाटिया का काम बंद हो जाएगा। हाँ, और अगर भाटिया का काम बंद हो गया तो पांडे जी की कमीशन भी बंद हो जाएगी। क्यों पांडे जी? जी मत लगाइए। एक्सक्यूज मी टीना जी, मुझे एक कंप्लेन करनी है। मुझे भी एक कंप्लेंट है आपके खिलाफ। ये क्या? मेरा नाम आपने गलत कहा है, मैं टीना नहीं हूँ। नहीं, मुझे तो उन भाई साहब ने बताया पान वाले ने कि आप ही हैं। पान वाले? वो नीचे चौरसिया ना। उषा जी, आपको वो नीचे वाला पान वाला कब से जानने लगा? नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं, ये जो भाई साहब यहाँ पान थूकते फिरते ना ऑफिस में, उन्होंने बताया। ओ शुक्ला जी, हमारे बॉस है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टीना जी मुझे फिर वही बात, मैं टीना नहीं हूँ, कहा ना। तो क्या नाम है आपका? तो टीना जी कौन है? आप हैं? मैं नहीं हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? आप तो टीनू होंगे ना। आप हैं टीना? देखिए आप पहले ये बताइए आपको काम क्या है, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं टीना हूँ। एक मिनट, बाद में बात कीजिए, जरा एक करेले भरने में मदद कीजिए प्लीज। जी जी, मेरा नाम मुसद्दी लाल वकील है। आप वकील है? नहीं मैं वकील नहीं हूँ, मेरे पिताजी वकील हैं, मैं तो बैंक में क्लर्क हूँ ना। तो फिर आप अपने नाम के आगे वकील क्यों लगाते हैं? जी वो मेरा सरनेम है। ओ अच्छा, आपको काम क्या है? जी मेरे पिताजी ना कल गड्ढे में गिर गए। पिताजी वो जो वकील है वो वाले ना? जी हाँ वकील। मैडम मेरे एक ही पिताजी हैं, कल आ रहे थे स्कूटर पे तो रात बहुत ज्यादा थी, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, तो रास्ते में गड्ढा आ गया, वो गड्ढे में गिर गए। बीच में गड्ढा कहाँ से आ गया? ये आप लोगों ने खुदवाया था। तो आपको पहले नहीं पता था? नहीं, सुबह मैं जब वहाँ से निकला तो वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन शाम को आते वक्त पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा ठीक है, हम लोग कंप्लेन लिख लेंगे, लेकिन आपको चाहिए क्या? जी मुझे हरजाना चाहिए। हरजाना? लेकिन किस चीज का? अरे कमाल है, मेरे पिताजी गड्ढे में गिर गए, उनकी टांग टूट गई, 10,000 रुपए खर्च हुए और अभी पता नहीं और कितने खर्च होंगे, तो हरजाना तो देना ही पड़ेगा ना। यही तो, पर किस चीज का? वो गड्ढे में गिर गए ना। तो हमने गिराया क्या? उनकी टांग टूट गई। अरे तो हमने तोड़ी है क्या? मैंने जुड़वाई है। हमने कहा था क्या? 10,000 रुपए लगे हैं। तो हमारी जेब से गए क्या? नहीं नहीं, हरजाना तो आपको देना पड़ेगा। हमने बुलाया है क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरे पिताजी वहाँ अकेले लेटे हुए हैं बिस्तर पे और आपको उन पे इतना सा भी रहम नहीं आ रहा है। हमारा बाप है क्या वो? नहीं नहीं, आपका बाप नहीं है दीदी। देखिए आप यहाँ पे रह के हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, उधर जाइए शुक्ला जी के पास, वो गड्ढों के इंचार्ज हैं। ये शुक्ला जी कौन है? वही पान वाले भाई साहब।
नीचे वाले के ऊपर ऑफिस वाले? ऊपर ऑफिस वाले। हरजाना? किस बात का हरजाना? मेरे पिताजी गड्ढे में गिर गए थे, इस बात का हरजाना। देखिए सर, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना। पर गड्ढा तो आप ही लोगों ने खुदवाया था ना। हाँ, सिविल लाइन का काम चल रहा था भाई साहब, पर उसके बाद गड्ढा बंद भी तो करना चाहिए। देखिए ये काम हमारा नहीं है। तो किसका है? देखिए ये JWD में ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट गड्ढा खोदता है, एक डिपार्टमेंट गड्ढा भरता है। अब डिपार्टमेंट के पहुंचने के पहले ही आपके पिताजी गड्ढे में कूद गए। कूदे नहीं, गिर गए। हाँ मतलब वही, लेकिन थोड़ा तो सब्र करना चाहिए था आपके पिताजी। आपको पता है दो दो महीने तक गड्ढे खुदे रहते हैं और कोई उनको बंद नहीं करता? हाँ बिल्कुल पता है सर। तो क्यों बंद नहीं करते हैं? देखिए सर, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना भाई साहब। हाँ लेकिन गड्ढा खुदवाने और भरवाने के बीच में अगर कोई उसमें गिर जाए तो? वो मर जाता है जी। मेरा मतलब है आपके पिताजी बहुत लकी थे, बच गए बाय गॉड। देखिए आपको कम से कम जहाँ आपका काम चल रहा है वहाँ पे बोर्ड तो लगाना चाहिए कि काम चालू है। देखिए वहाँ पर काम तो नहीं चालू था, लेकिन ये बोर्ड तो होना चाहिए कि गड्ढा खुदा है। अब भाई साहब अगर हम ऐसा करने लगे तो पूरे शहर में बोर्ड ही बोर्ड नजर आएंगे ना। हैं जी, मतलब लोग कहते हैं कि धरती पर खुदा नहीं है और यहाँ जहाँ देखिए खुदा ही खुदा है। हाँ ये तो है, लेकिन वहाँ पे ये बोर्ड तो लगा सकते हैं कि यहाँ खुदा नहीं है। कौन? बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आप। ये सजेशन आप मेरी तरफ से सजेशन बॉक्स में डाल दीजिए। जी अच्छा, गुड। पर वो हरजाने का क्या होगा? हरजाना हम क्यों दें भाई? पिताजी ने कहा है कि आप देंगे। पिताजी ने कहा है? जी, वो वकील हैं, उन्होंने कहा है मैं आपको शू कर दूं। अरे कैसे शू कर देंगे हम, कोई कुत्ता है क्या? नहीं नहीं, वो कुत्ते वाला शू नहीं, वो करते हैं ना कोर्ट में शू। अच्छा 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 अच्छा, वो वाला शू। दोस्त उसके लिए नोटिस निकालनी पड़ती है, पता है ना आपको? पिताजी से पूछना पड़ेगा। और खोते दे पुत्र, ये नोटिस तो यही भूल गया था। सॉरी पिताजी। सॉरी के बच्चे, और कभी तो कोई काम ढंग का किया कर। घोड़े जितना हो गया है पर अकल बिल्कुल गधे जैसी। और तेरे को पता है, तेरी उम्र में जब जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। सॉरी पिताजी, सॉरी टू से कि जवाहरलाल नेहरू जब मेरी उम्र के थे तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के साथ लोहे का बिजनेस नहीं किया, वो सिर्फ अंग्रेजों के साथ लड़े थे। उल्लू का पट्टे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी, पर तूने क्या किया? सॉरी पिताजी, वेरी सॉरी टू से कि आप जवाहरलाल नेहरू जी की उम्र के हैं। आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और आप तो कुछ भी नहीं। और चुप कर, मंत्री से पुत्र, चल जा ये नोटिस दे गया। और सुन, ओ मेरा वकील वाला कोट पहन के जाना, रोब पड़ेगा। जी पिताजी। अबे मुझ पे रोब जा दिया था, मुझ पे मेरे सारे समोसे गिरा दिए। ये तो शुक्ला ने मेरे को रोक दिया, नहीं तो मैं तो उसकी ऐसी की तैसी। ना 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 भटके, ना गुटका फूंक दे, वो घामन प्रकृति का इंसान है, हमें फूंक करना है। अरे बढ़ाओ, तुम्हें कितनी बार बोला यार, पान थूक के बात किया करो। हमें शू करने आया था। शू? वो आपको क्या कुत्ता समझ रहा है? अरे वो शू नहीं, शू कोर्ट केस। हाँ हाँ वही 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 वही। तो फिर क्या करोगे? अरे करेंगे क्या, वो लौट के आएगा तब ना। यहाँ आगे तो फिर कैसे आएगा, घर से ऑफिस तक तो इतने गड्ढे, अपने पापा की तरफ पड़ा होगा कहीं पर। वो पड़ा नहीं होगा, वो देखो वो आ रहा है। वो एक्सक्यूज मी मिस्टर शुक्ला जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए कहिए। मिलोर्ड, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके खुदे के गड्ढे के अंदर मेरे पिताजी श्री मुसद्दीलाल वकील सीनियर वल्द श्री मुसद्दीलाल जज गिर पड़े और उनकी टांग टूट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ मिलोर्ड जिस वक्त मैं स्कूटर पर बिठा के उनको ला रहा था। मैंने डॉक्टर के पास ले गया, मैंने उनका इलाज कराया। डॉक्टर ने उनकी टांग को चेक किया और बताया कि उसके अंदर 2 फ्रैक्चर हैं। यह रही डॉक्टर की रिपोर्ट। मिलोर्ड, डॉक्टर की रिपोर्ट के तहत मेरे पिताजी की टांग गड्ढे में गिर जाने की वजह से ही टूटी है, लिहाजा मैं आपको इंडियन पेनल कोड की दफा का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं उस पेनल कोड के तहत आपको सू करता हूं और आपको 50,000 रुपए मेरे पिताजी को देने होंगे, वरना उनके साथ कोर्ट के अंदर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा कोर्ट का नोटिस। जी, कोर्ट का नोटिस मत लो। नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते? इसकी कोई ठोस वजह? इसकी कोई ठोस वजह? अब ऑफिस में हम कुछ नहीं लेते। हाँ ऑफिस में हम कुछ नहीं लेते, अगर इसमें नोटिस के बजाय रुपए हुए तो। हाँ जैसे ही हमने लिया वैसे ही विजिलेंस वालों की गाड़ी आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस हम नहीं लेंगे। ये सरासर
गलत है। ये तो आप जो है हमारे वो लीगल एडवर्टाइजर है पटेल साहब, उनको ही बताओ, और हम तो उनसे पूछ के ही बताएंगे कि हम ये नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे ऐसे। नहीं लेंगे हमने जी। क्या? अरे मना किया था ना आपको, ज्यादा गड्ढे मत खोदो। कहाँ मना किया था आपने? आपने तो कहा था गड्ढे खोदो, ऊपर से आपके चक्कर में मैंने पूरा क्रिकेट स्टेडियम खुदवा दिया, आप बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था मिस टीना? जी हाँ, कहा था आपने, और साथ में ये भी कहा था कि उस लॉन में मिट्टी डालकर जब आप गुलाब के फूल उगाएंगे तो पहला फूल मेरे बालों में लगाएंगे। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन लगाया नहीं ना। डोंट वरी, लगा दूंगा। हेलो सर, उस शू का क्या करने वाले हैं आप? डोंट वरी शुक्ला जी, ऐसा शू करूंगा कि शू हो जाएगा। सॉरी पिताजी, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब पिताजी के पुत्र तो कोई भी काम ढंग से कर सकता है। सॉरी पिताजी, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अब कोशिश के पुत्र इसे कोर्ट के थ्रू भेज, उन्हें लेना ही पड़ेगा। अरे वाह पिताजी, आपको तो वकील होना चाहिए था। हाँ, क्या था? कुछ नहीं, नोटिस आया है 50,000 जुर्माना। डोंट वरी, बुलाया है उसे? हाँ, उसे मीटिंग के लिए बुलाया। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांग सकता हूँ? इजाजत है, पूछिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल, आज ऑफिस में स्ट्राइक है? नहीं तो? तो लोग कहाँ चले गए? यही है। अच्छा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब है, मीटिंग में है, आ जाएंगे। ओ, अच्छी। आप ठीक तो है? अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम फाइन। आप खाली बैठे बैठे बोर होते हैं क्या? जी बहुत। तो आप खाली बैठे बैठे क्या करते हैं? कुछ भी कर लेता हूँ। गुड, तो आप जरा इन बैंगनों में मसाला भर दीजिए ना। श्योर। मैं अभी आई। थैंक्स। अरे अब तो लॉन में फूल उगने भी शुरू हो गए। अरे सर, वो बहुत बहुत अच्छा था। सर, वो आ गया, आ गया। कहाँ है? बाहर बैंगन मर रहा है। उषा जी के बैंगन मर रहा है। Let's go। आज बैंगन मर जाएंगे इसके। कहाँ है बैंगन? Stupid। अरे बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ। ये हमारे लार हैं। टायर? टायर नहीं, लार। ओ, लार। अब कैसे समझ गया? जब हमने लार बोला तो टायर समझे, जब टायर बोला तो लार समझ रहे। मिस्टर शुक्ला जी, मेरा ख्याल है कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें फौरन कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ओके ओके। भैया क्या भेजा है आपने? मेरा काबिल दोस्त ये भी नहीं जानते कि मैंने क्या भेजा है। ये लीगल नोटिस है। अच्छा, ये लीगल नोटिस है, ठीक है। तो आप JWD पर दावा करना चाहते हैं? करना चाहता नहीं हूँ, कर दिया। वजह डिटेल में जान सकता हूँ प्लीज? मेरे काबिल दोस्त को शायद इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी क्यों, कहां, किस वजह से और कैसे गिरे। हाँ, वो तो मैंने पढ़ा, मगर इसमें से कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती। इसमें लिखा है कि आप अपने पिताजी को लेकर जा रहे थे। जा नहीं, आ रहा था। हाँ, कमिंग लिखा है। कहां से? जी, उनके पिताजी के घर से। और सामने गड्ढा आ गया। जी हाँ, और वो गिर गए। कैसे? कैसे मतलब, मैं गिर के दिखाऊं आपको? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो गिरे थे, कूदे नहीं थे। जी, वो कूदेंगे क्यों? आत्महत्या भाई, आजकल ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है और जान देने की कोशिश करता है। हो सकता है आपके बाप ने भी वही किया हो। मेरा ख्याल हमारे काबिल दोस्त हमें किसी दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आप ये कहना चाहते हैं कि वो कूदे नहीं थे, गिरे थे? जी। स्कूटर वो चला रहे थे? जी नहीं, मैं चला रहा था, वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। अरे मगर पीछे बैठा इंसान कैसे गिर सकता है, जबकि आप आगे बैठे थे और आप यहाँ हमारे सामने सही सलामत मौजूद है, तो वो कैसे गिर गए? जी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि वो कैसे गिर रहे हैं तो मैं उन्हें गिरने ना देता। नहीं, हो सकता है आपको पता हो, पर फिर भी आप
बाप को गिराकर अनजान बन रहे हो। आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने? हाँ, 21 जून संडे की रात को आप अपने पिताजी को लेकर स्कूटर से चल दिए और फिर जानबूझकर आपने उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे बिठाया। आगे बिठाते तो ठीक था, मगर पीछे बिठाया तो दो बातें होती, या तो वो गिरते या तो ना गिरते। गिर गए, गुड। ना गिरते तो दो बातें होती, या तो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देते या तो ना करते। कर देते तो ठीक था, मगर ना करते तो दो बातें हो जाती, या तो उन्हें मारते या तो मरवाते। मारते तो ठीक था, मगर मरवाते तो दो बातें होती। पर आपने उन दो बातों की परवाह किए बगैर अपने बाप को मारने का प्लान बनाया। जी मतलब मैं समझा नहीं। कितनी प्रॉपर्टी है आपके बाप के पास? जी यही कोई 7-8 लाख रुपए। और बस, सिर्फ 7-8 लाख रुपयों के लिए इन्होंने अपने बाप को मारने की कोशिश की और इल्जाम JWD पर लगाया। ये गलत है। यही सच्चाई है। नहीं नहीं, ये गलत, ये सच है। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी वहां पे स्कूटर पर से गिरे कैसे, और ये भी नहीं पता कि वहां पे कोई आसपास में कोई गड्ढा भी था। अच्छा, तो वहां सामने एक बोर्ड पड़ा था, सावधान आगे काम चालू है, वो आपको नहीं नजर आया? वहां पे कोई बोर्ड नहीं था। बोर्ड था, आपको नजर नहीं आया? बोर्ड नहीं था। आप चश्मा लगाते हैं? नहीं नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। ये कितनी उंगलियां हैं? 5। झूठ, ये 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियां हैं और ये एक अंगूठा है। नो प्रॉब्लम, एक मौका और देता हूं। अब गौर से देखना, ये कितनी उंगलियां हैं? 3। ये 2 उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। 2? 3 उंगलियां। 2? मैं कह रहा हूं कि 3 उंगलियां। एक मिनट भाइयों, आप बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? 2, 3, 2, 2। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी नजर कमजोर है और इन्हीं कमजोर नजर की वजह से आपको वहां पड़ा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया। जी हो सकता है कि वो बोर्ड वहां पे हो और रात के अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई ना दिया। क्यों, आपके स्कूटर की ये हेडलाइट चालू नहीं थी? नहीं, वो तो खराब है। गुड। रात को बिना हेडलाइट का स्कूटर चलाते हैं, और अच्छा वो बाप गिर गया, किसी और को ठोक देते तो? भाई शुक्ला, मुकदमा तो हमें इन पर करना चाहिए। क्या? हाँ, लिस्ट बनाओ, फाइल लो, लिस्ट बनाओ। JWD बनाओ, मुसदीलाल क्लर्क, 21 जून संडे रात बीच चौराहे में प्रॉपर्टी की लालच में आकर इन्होंने अपने मजलूम बाप को मारने की नाकाम कोशिश की। ये गलत है। ये सही है। ये गलत। और उस कोशिश में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने इल्जाम JWD पर लगाया। नहीं 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 नहीं, दावा मानहानि का दावा, दफा मानहानि का दावा, 5 लाख। क्या? हाँ, और रात को बिना हेडलाइट का स्कूटर चलाने के जुर्म में बार हवालदार से कहो कि इनका स्कूटर अभी जब्त कर ले। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम पर केस करेंगे। शू करेगा? हाँ, हमारे समोसे गिराएगा? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया भाई, सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाया। हाँ, समोसों के चक्कर में तो मैं भूल गया था। हाँ, ये गया गड्ढे पे, अब नहीं निकल सकता ये। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए मेरे साथ, मैं वो हरजाना नहीं लूंगा। देखिए क्या है कि मेरे पिताजी ने कहा था मुझसे, मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि शू कर दो तो मैंने शू कर दिया, मुझे तो शू करना आता भी नहीं है। देखिए आप, मुझे कोई हरजाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ, तो यहाँ खड़े क्यों? भागो यहाँ से, दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। जी एक मिनट, पटेल साहब जरा शू तो बोलिए। शू। गुड मॉर्निंग पटेल साहब। गुड मॉर्निंग टीना। पानी गिरा हुआ है। नीना, थोड़ा यहां भी गीला है। अरे ये क्या कर रहे हैं पांडे जी? जी मत लगाओ, सिर्फ पांडे का, हमारा तुम्हारा बाबू और बाई वाला रिश्ता थोड़ी है, हम तुम तो। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो पांडे, तुम्हें पता नहीं है पानी की कितनी कमी है? कहाँ कमी है टीना, जल निगम के ऑफिस में कहाँ पानी की कमी है? जल
जल निगम के ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घरों की बात कर रही हूँ। मेरे घर में पिछले 10 दिन से पानी नहीं आया। मेरे घर में भी नहीं आया। मेरा ख्याल अंदर जाने से पहले एक बात तय कर ली जाए कि अंदर चल के बात कौन करेगा। आप ही बात करिए, आप मोहल्ले के सेक्रेटरी हैं। देखिए तो ये बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन बीच में ये पीपट ना बोले। मैं कहां बोलता हूँ? देखिए फिर बोल रहे हैं फिर से। ये मैं तो वो मैं आप गुस्सा थूक दीजिए। अरे यहाँ मत थूकना, अभी सफाई की है मैंने। तुमने धुआं पड़ा है, मैं धूंगा, गुस्सा कम नहीं होगा तो पी जाइए। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। आप चले? जी हाँ। बात क्या करनी है? मोहल्ले में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे बोला बीच में? आप चुप रहिए ना, आप चुप नहीं रह सकते। करिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए। अरे भाई साहब, देखना क्या है, मामला तो देखा भाला है। हैरानी नहीं हुई आपको ये सब सुन के? किस बात की हैरानी? यही कि पिछले 10 दिन से हमारे पास एक बूंद पानी की नहीं है। भाई साहब, अब तो जिसके घर में एक दिन पानी आ जाता है उसे देख के हैरानी होती है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे बीवी बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हम पिछले 7 दिन से नहाए नहीं। अब पता चला। इतनी देर से पता चल रहा है आपको? जी हाँ, अब तक मुझे लग रहा था नीचे म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई हो, कचरे वाली। क्या? कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन दीजिए जल्दी। हाँ, ये लीजिए एप्लीकेशन। वेरी गुड, लिख के लाए। जी हाँ। अरे ये तो शांति नगर का एरिया है। बी ब्लॉक। ये बी ब्लॉक तो मेरे नीचे आता ही नहीं है। तो फिर किसके नीचे आता है? आई मीन इसके इंचार्ज कौन है? शुक्रिया जी, आप जरा हमारी कंप्लेंट देख लें। कैसी कंप्लेंट? जो हमने की थी। कब की? चलिए नहीं की तो अब कर देते हैं। हाँ, जरा पान तो खा लेने दीजिए ना। जी हाँ, पान खाइए। पान खाने में क्या? ये रहा पान, ये रहा चूना, ये लीजिए। वाह, हाँ जी, तो बताइए क्या समस्या? क्या है समस्या? ये है शुक्ला जी कि पिछले 10 दिन से शांति नगर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम हर जगह भाई। क्यों है मगर? पानी की कटौती है ना। कटौती कटौती क्यों है? अरे झरने झर चुके हैं, नदियां सूख गई हैं, बिग प्रॉब्लम। लेकिन हम क्या करें? आप क्या मतलब, आधे घंटे तो पानी आता है। नहीं, वो ए ब्लॉक में आता है, और ए ब्लॉक में जब पानी आता है ना तो बी ब्लॉक में हम सिर्फ उसकी आवाज को सुन सकते हैं बस। ये हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है, हम पिछले 10 दिन से नहाए नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सुन के देख लीजिए। ये गलत है कि हमारे यहाँ पाइप लाइन है और उसमें से पानी नहीं आता। सुनिए भाई साहब, आपके यहाँ नल में पानी क्या? आपके यहाँ तो नल नहीं होना चाहिए था। क्या? जी हाँ, हमने वहाँ कोई पाइप लाइन बिछाई नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप शुक्ला जी, हमारे यहाँ पिछले 3 साल से पाइपलाइन बिछी हुई है, हम 3 साल से उसका पानी बहा रहे हैं। अगर वहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है तो क्या सीवरेज का पानी आता है वहाँ पे? ये म्युनिसिपल विभाग को पता होगा, सीवरेज उनके अंडर में आता है, हम आपको पानी नहीं दे सकते। देखिए हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, आप पानी कैसे नहीं देंगे? ये लीगल है, इस पर इंक्वायरी हो सकती है, पता आपको? जी नहीं, ये बिल्कुल लीगल है, हमने खुद अपनी मेहनत से वहाँ पे पाइपलाइन बिछवाई है। खुद? जी। तो आप पर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी? किस चीज की इंक्वायरी? मैं तो उसको सेक्रेटरी था नहीं, मैंने तो बिछवाई नहीं। ये आप थे सेक्रेटरी, ये पीपर थे सेक्रेटरी उस वक्त। अब जवाब दीजिए ना, बोलिए कुछ। कमाल है यार, कभी कह दो बोलो, कभी कह दो मत बोलो, एक बात तय कर लो, मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। मैं इस वक्त एक बार तय कर रहा हूँ, तो तुम इस वक्त बोलो। क्या बोलूं? बताओ ना कि पाइपलाइन लीगल है। नहीं, ये पाइपलाइन इलीगल है। क्या? उस वक्त नई नई सोसाइटी बनी थी, तब यहाँ जो अफसर थे उनको थोड़ा खिला पिला के हमने वो पाइपलाइन बिछवा दी थी। देखा तो भैया आपने, ये मरवाएगा हमें, ये हमें मरवाएगा, अब हम सब लोग प्यासे मरेंगे। आप भी ना बस, मैं तो किसी तरह आप बात कीजिए ना। क्या बात करूं मैं, खाक बात करूं, सब गड़बड़ कर दी इसने। भाई साहब एक सेकंड, एक बात मैं बता दूं जी, अगर ये बीच में एक लफ्ज बोला ना तो मैं यहां से बाहर चले। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। चले क्या शुक्ला जी, क्या करें, पता नहीं 3 साल पहले किसने ऑर्डर दी थी, मैं तो यहाँ नया नया आया हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। अब तो फिर से नई नई फाइलें बनेंगी, नई नई पाइपें बिछेंगी, तब जाके कहीं नया नया पानी आएगा, और उसके लिए नई नई डीलिंग करनी पड़ेगी ना। मैं समझा नहीं। पैसे मांग रहा है पैसे। अरे यार आप चुप नहीं रह सकते? चुप के मैं बता रहा हूँ इसे। आप बताइए मुझे, ये बताइए मुझे। अरे बात सुनो, तुम क्या बताओगे मुझे? इलीगल पाइपलाइन बिछा दिया तुमने वहां पे, तुम हो क्या? मुझे जानते हो, मेरा नाम है मुसद्दी लाल शास्त्री, मैं तो तेरे ही। अरे मुसद्दी के बच्चे तू, मैं बेटा, किसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है? भाई साहब लंका की सेना, बाहर जाके लड़ाई कीजिए आप लोग। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, लड़ाई यहीं पे शुरू हुई है और यहीं पे खत्म होगी। मुसद्दी भाई आप मान भी जाइए ना। मान भी जाइए प्लीज। हाँ शुक्ला जी आप बोलिए। मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूँ तो आप डांट देते हैं बीच में।
एक सेकंड, अगर तू बीच में बोला तो मैं तो, आप बोलिए, आप कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि ये क्या है, यार रिश्वत मांग रहा हूँ मैं, रिश्वत। तो ऐसे कहिए ना कि आप रिश्वत मांग रहे हैं, तो रिश्वत मैं थोड़ी आपको दे सकता हूँ, वो तो हमारे ड्राइवर और खलासी साहब साथ में हमारे, इनको रिश्वत दीजिए सर। कितनी कितनी? दे दो 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 दो, ये लीजिए दो। नहीं नहीं, एक बहुत है। क्यों? जाइए उषा जी जाके मिल लीजिए। अरे ये तो पानी की चोरी का केस है। मैडम हम आपको शक्ल से चोर दिखाई देते हैं। यही तो, तुम ठीक से निचोड़ो। अरे तुम ज्यादा कस के मत घिसो, ब्रश जरा प्यार से मारो ना, धीरे से क्या कर रहे हो। मैडम इसे कहाँ रखूं? ठीक से निचोड़ा? जी पूरी तरह निचोड़ गया। बाहर सूखने के लिए डाल दो। दुबे जी जरा इसको बाहर सूखने के लिए डाल दीजिएगा। ये पानी का क्या होगा मैडम? देख रही हूँ बाबा, टाइम लगता है। ये कोई कपड़े है क्या जो भिगोया और हो गया? ये पानी की चोरी का केस है। वो तो आपने बताया था अभी, पर यही तो। अरे तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना भाई। बस हो गया। वेरी गुड। एक काम करो, आप लोग कल आ जाओ। कल क्यों? और भी कपड़े बाकी है ना। मैडम आप हमसे कपड़े धुलवाएंगी? हमने अपनी बीवी के लिए कभी कपड़े नहीं धोए। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप सब घर में कपड़े धोते हो। आपको कैसे पता चला मैडम? इतने अच्छे कपड़े वही धो सकता है जो रोज धोता हो। ठीक है मैडम, हम रोज आ जाया करेंगे आपके लिए कपड़े धोने के लिए, लेकिन कम से कम हमारे पानी का तो कुछ इंतजाम कीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये काम मैं नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? बड़े साहब। बड़े साहब कौन है? पांडे जी। ये पांडे जी आपने कहा या इन्होंने कहा? नहीं इन्होंने कहा। इन्होंने कहा? ओए खलनायक, आदत है बोलने की। भाई ये तो इल्लीगल कनेक्शन का केस है, कब हुआ ये? वो जी 3 साल पहले जो आपसे पहले बड़े साहब थे ना, उन्होंने लगवाया था। उनकी भी इंक्वायरी होगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब, पानी की तो बात है। तो हम क्या करें? आप इसे लीगल को लीगल करवा दीजिए। उसमें तो टाइम लगेगा, फाइल बनेगी, वो ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर बीच में आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर और नीचे आएगी, फिर पाइपलाइन बिछेगी। लेकिन पाइपलाइन तो बिछी हुई है ना। लीगल की बात कर रहा हूँ मैं। अरे अरे साहब, इतने में तो हमारे बीवी बच्चे जो है प्यासे मर जाएंगे। एक बूंद पानी नहीं आ रहा, पिछले 10 दिन से हम लोग नहाए भी नहीं। तभी मैं कहूँ जानी पहचानी खुशबू कहाँ से आ रही है। कुछ नहीं तो क्या करें? बस चालू करवा दीजिए। इलीगल है तो इलीगल को लीगल करवा दीजिए। कैसे? अरे आपके पास तो पावर है पांडे जी, प्लीज प्लीज करवा दीजिए ना। पिछले वाले साहब को कितना दिया था? कितना पैसा दिया था? 25,000। पक्का? पीपल साहब ने बताया था। 25,000 दिया था जी। ठीक है 50 कर दो, पानी आ जाएगा। अरे 50 तो बहुत ज्यादा है सर। अरे भाई पूरे मोहल्ले को पानी दे रहे हैं, पूरा आधा घंटा पानी आएगा, बोलो चाहिए? नहीं चाहिए तो सही। अच्छा फिर एक बात है, पूरा आधा घंटा पानी आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे ओपनर पटेल से बात करो। ओपनर पटेल? पानी वही खोलता है। बस अब तो आपके यहाँ पूरा आधा घंटा पानी आएगा, सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, पहले की तरह। लेकिन पहले भी बूंद बूंद करके पानी आता था। हाँ आपका मोहल्ला थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो क्या है हम पानी चालू करते हैं, पानी चलता है, मगर रास्ते में हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं झोपड़पट्टी वाले मुफ्त में पानी ले जाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर हमारे इधर उधर के कनेक्शन हैं, और फिर टैंकर वाले भी पानी भरते हैं, और फिर क्या है पानी जब तक आपके यहाँ पहुँचता है तब तक आधा घंटा हो जाता है, और फिर हम यहाँ से बंद कर देते हैं। घर दूर है ना, इसलिए पहुँचते ही आधा घंटा लग जाता है। अरे हमारे यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। ये केस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया। कितने पैसे दूं? जो ठीक समझे लाइए। गिने तो नहीं? नहीं लीजिए। बस अब तो आपके यहाँ पूरा आधा घंटा पानी आएगा, वो भी बिना कोई रोक टोक, और कोई नहीं भरेगा, सिर्फ आप भरेंगे, ऐसा मोटा मोटा पानी आएगा। रात 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है जी। हाँ सब सो रहे होंगे, आप पानी भर लेना और ना दो लेना और फिर सो जाना। हाँ? पागल हो गए हम? आप बताइए कि सुबह 3 से 3:30 के बीच में हम पानी कैसे भरेंगे? जैसे मैं खोलूंगा। नहीं नहीं ये तो गलत बात है भाई। तो ठीक है ये लीजिए, तो फिर बूंद बूंद पानी भरना होगा। नहीं नहीं पटेल साहब ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज सोचिए ना 3 से 3:30 बजे तक। देखिए आप 3 बजे उठकर पानी भरिए, भरा तो ठीक है, नहीं भरा तो 2 बातें होंगी, या तो आपको दिन में पानी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ से जब भरा नहीं होगा, तो नहीं मिलेगा तो 2 बातें होंगी, या तो आप प्यासे मरेंगे या तो कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। प्यासे मरे तो ठीक है, मगर कोल्ड ड्रिंक पीकर प्यास बुझाई तो 2 बातें होंगी, या तो आपका बजट बढ़ेगा या तो नहीं बढ़ेगा। नहीं कहां से बढ़ेगा, मैं भी पागल हूँ, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा तो 2 बातें होंगी, या तो आप कंगाल हो जाएंगे या तो किसी से कर्जा लेंगे। कंगाल हो गए तो ठीक है, मगर किसी से कर्जा लिया तो 2 बातें होंगी, या तो आपको रात को चैन की नींद आएगी या तो नहीं आएगी। नींद आई तो ठीक है, मगर नहीं आई तो यार कर्जा लेकर क्यों अपनी नींद हराम करना चाहते हैं? उससे अच्छा 3 बजे उठकर पानी भर के नहा धोकर सो क्यों नहीं जाते आप जी? पांडे जी आज भी नहीं नहाया आप? पता नहीं यार, लोग 30-30 दिन तक कैसे नहीं नहा पाते।
अपने तो 28वें दिन ही खुजली हो जाती है। सही बात है सर, ये तो है। पता करो अपने मोहल्ले में पानी कब आ रहा है। सर नियर फ्यूचर में चांसेस तो बहुत कम है। आप एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस में क्यों नहीं नहा लेते। बीपी डांटती है ना। क्या कहती है। वो कहती है कि जब मैं नहीं नहाऊंगी तो आप कैसे नहाएंगे। हाँ तो आप एक काम कीजिए, उनको भी यहाँ ले आइए, बच्चे भी तो हैं। हाँ अड़ोसी पड़ोसी भी हैं। यही प्रॉब्लम है। बड़े साहब क्या बड़े, वहाँ पर डरावना सा कुत्ता निकला है। घबराओ मत पटेल, कहाँ है वो। पानी की टंकी में। हाँ जहाँ से पानी सप्लाई होता है। हाँ वहीं पर। हाँ, तो भाग गया क्या। नहीं भाग नहीं सकता बेचारा। तो पाल लो। नहीं पाल भी नहीं सकता। क्यों, मर गया है ना, पाल के क्या फायदा। क्या, हाँ टंकी में घुसा कैसे। मेरा कोई कसूर नहीं है, टंकी का ढक्कन खुला रह गया होगा, पानी पीने अंदर गया होगा और मर गया होगा। शायद उसके घर में भी पानी की शॉर्टेज होगी। लेकिन वो घुसा कब। आई डोंट नो, निकला आज है। इसका मतलब इतने दिन से लोग वो पानी पी रहे थे जिसमें कुत्ता मरा हुआ था। फौरन ये पानी की सप्लाई बंद करो। वो तो कर दी मैंने। तो टंकी खाली कर दो। अरे तो लोगों को पानी कहां से दोगे भाई। अरे वो पानी पिलवा के लोगों को मारोगे क्या। अरे नहीं नहीं, देखिए कुत्ता आज निकला है, इसका मतलब उसकी बॉडी 3-4 दिन से पानी के अंदर तैर रही थी। हाँ फुल के एकदम फुटबॉल सा हो गया हम दोनों की तरह। और 3-4 दिन में किसी की मरने की खबर नहीं मिली है, इसका मतलब कुत्ते में पॉइजन नहीं था। हाँ सर मैं तो कहता हूँ आजकल पब्लिक को ना गंदा पानी पीने की आदत ऐसी होगी कि 2-4 कुत्ते मारकर डाल भी देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ी सी क्लोरीन डाल देना, आप आपका ऐसा फुस डाल देते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो पानी पी के अगर कोई मर गया तो टंकी खाली करवाओ। सर मेरी बात मानिए वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आप टंकी खाली करवाएंगे या तो नहीं करवाएंगे। नहीं करवाई तो गुड, मगर करवाई तो 2 बातें होंगी, या तो लोगों को पानी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां से, नहीं मिलेगा तो 2 बातें होंगी, या तो लोग प्यासे मरेंगे या तो नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे तो कब तक नहीं मरेंगे, और मरेंगे तो। सर जब लोगों को मारना ही है तो पानी पिलाकर मारिए ना, लोग दुआएं देंगे, है ना। क्या, हाँ तो नो प्रॉब्लम, क्लोरीन थोड़ा और डाल दो। हाँ क्या, कीड़े तैर रहे हैं। ओ, तो वो DDT छिड़क दो ना। हाँ और वो कुत्ते वाली बात किसी को बताइए। नमस्कार पटेल भाई, बाद में फोन करता हूँ। आपने सुना तो नहीं। क्या, वही जो फोन पर बोल रहे थे। इस आदमी को साथ मिलाना जरूरी होता है क्या। अगर ये आदमी दोबारा हमारे साथ में आया तो तुम देख लेना, मैं अभी के अभी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे दूंगा। आप भगवान के लिए चुप नहीं रह सकते। प्रेम भाई आप बोलिए प्लीज। आपने सुना तो नहीं ना जो मैं बोल रहा हूं। नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन आप कृपया हमारी बात सुनिए कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है। आता है ना। आता तो है लेकिन बहुत गंदा। गंदा आता है तो कोई बात नहीं, फिल्टर लगा के पियो। फिल्टर के बाद भी गंदा आता है। क्यों, हाथी घोड़े हैं क्या उसमें। हाथी घोड़े तो नहीं है, तो कुत्ता है क्या। नहीं नहीं, कुत्ते बिल्ली अब नल से कैसे आ सकते हैं। वही तो। लेकिन उसके अंदर कीड़े हैं। कीड़े, हाँ हाँ वो छोटे छोटे आते हैं। वो तो डोंट वरी, वो तो सेहत के लिए अच्छे, मतलब नुकसान नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का तो पेट खराब हो गया। कब से। यही को 3-4 दिन से। हाँ वो कुत्ते को मरे भी 3-4 दिन नहीं हो गए। नहीं कोई बात नहीं, आप में से कोई मरा तो नहीं। नहीं नहीं, हम में से कोई मरा नहीं है, लेकिन सबके पेट में क्या होता है, एक एंटन सी होती है, एंटता है पेट, लूज मोशंस होते हैं, लूज। यार तुम चुप नहीं रह सकते, तुम जाओ यहां से, जाओ। यार मैं क्या बोला, यही कि मेरे पेट में, पेट में कोई बात पचती नहीं है तुम्हारे। अगर तुम इस, जाओ यहां से, जाओ 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 चलो जाओ चलो जाओ जाओ। हमारे यहाँ का पानी बहुत गंदा है। कमाल है, आप तो कमाल है। मतलब पहले जब पानी नहीं आता था तब परेशान होते थे, अब पानी आता है तो कहते हैं कि गंदा है। लेकिन गंदा तो है ना। हाँ है, तो क्या हो गया, थोड़ा क्लोरीन डाल दो ठीक हो जाए। और उन कीड़ों का क्या करें। कीड़ों का कुछ नहीं, DDT छिड़क दो ना। पानी में। पानी में थोड़ी छिड़की जाती है भाई, पानी पीकर पेट के अंदर DDT छिड़क दो। देखो पानी पीकर पेट के अंदर DDT छिड़क दो, दैट्स इट। हैं जी। क्या सर। नहीं सर, ठीक है सर, नहीं सर नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा सर जी। हाँ ओके सर, जय हिंद सर। अरे भाटिया जी, पटेल, उषा जी, शुक्ला जी, अरे टीना भाई सुनो, सब लोग सुनो। क्या हुआ, क्या हुआ, आपके घर में पानी आया क्या। नहीं, इस ऑफिस में भूचाल आया है। कैसा भूचाल। मंत्री जी का फोन आया था। यहाँ ऑफिस में आपको। अरे तेरी तो निकल पड़ी पांडे। मंत्री जी ने आपसे खुद बात की क्या। क्या कहा। प्रमोशन कर दी होगी। इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या, क्यों। उनका कहना है कि हमारी गलती की वजह से शहर में पानी नहीं आता। अरे हमारी क्या गलती है इसमें। वो कहते हैं कि पानी की चोरी और इलीगल कनेक्शन।
हाँ वो तो बढ़ गया भाई, रोज एक कनेक्शन देते हैं हम। पर क्या करें, एक हफ्ते का दौरा है कल से मंत्री जी का। दौरा मिर्गी का? अरे मंत्री जी को दौरा नहीं, मंत्री जी का दौरा। कल से नो पानी की चोरी और नो इलीगल कनेक्शन। सर प्रभु। अरे नहीं भाई, बंद तो बंद, बस नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओके बंद तो बंद। दो दिन पानी देते हैं और दो दिन पानी नहीं देते हैं। आप देखिएगा दुबे जी, आज मैं पूरा फुल एंड फाइनल करके जाऊंगा यहां से। बस इस आदमी से कहिएगा कि ये कुछ बोले मत। नहीं 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 बोलूंगा। देखिए फिर बोल रहा है फिर। अरे कमाल है यार, मैं नहीं भी नहीं बोल सकता। आप भी बोलता चला जा रहा है और मेरा गुस्सा आसमान पे जा रहा है। चलिए इनसे बात की जाए, आइए इनसे बात की जाए। क्या ये आखिर ये है क्या? क्या क्या है? यही कि दो दिन के लिए पानी आता है हमारे यहाँ, दो दिन के लिए नहीं आता, ये क्या कर रहे हैं आप? पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ए ब्लॉक में तो आता है। वहाँ आएगा। अगर पानी आएगा ना तो हर जगह आएगा, वरना कहीं नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 50,000 रुपए दिए हमने। वो आप समझते हो? वो क्या कर रहे हैं आप? अगर पान खाने का शौक है तो बोलने की तमीज रखिए। आज मैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल करके जाऊंगा। शोर मत मचाइए। क्यों ना मचाऊं? ठीक है मचाइए। मैं पागल हूं क्या जो शोर मचाऊंगा? एक मिनट, आप चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं? यही चाहते हैं। वैसे आप हमें दे भी क्या सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप 24 घंटे पानी दे दीजिए हमारे यहाँ। आपको पानी नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा, आपने पैसे खाए हमसे? धीरे बोलिए, धीरे। क्यों बोलो धीरे? चिल्लाइए चिल्लाइए। मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं चिल्लाऊंगा। ये आदमी है क्या? अच्छा चलो अच्छा, आपने आदमी तो मान लिया, वरना कुत्ता ही समझते। कुत्ता? सर मुझे लगता है इस आदमी का फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा, वरना फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वो क्या करें? लगता है अपनी एवरग्रीन स्कीम लगानी पड़ेगी। वही वही ठीक रहेगा। ओके हाँ, तो शांतिनगर बी ब्लॉक के वासियों, आप लोगों को पानी मिलेगा। क्या? पर वो 50,000 रुपए लगेंगे। और बस फिर 24 घंटे पानी आएगा, वो भी कीटाणु रहित। हाँ बोलो, मंजूर है? एक सेकंड, हम जरा आपस में बात कर ले। तुम तो बोलना मत बिल्कुल। ठीक है, हमें मंजूर है। तो निकालिए 50,000 रुपया। साथ लाए हैं? दे दीजिए दुबे जी, हमारे साथ रहते हैं, पैसे भी लेते हैं। गुड। आप ये बताइए, आप लोगों के घरों के आगे मैदान है? जी हाँ, बहुत बड़ा मैदान है, बल्कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैदान की मिट्टी नरम है ना? नरम ही नहीं, बल्कि कहा जाए तो सॉफ्ट है। ओ सॉफ्ट है, फिर तो गड्ढा खोदना बहुत आसान रहेगा। बहुत ही आसान है, टक से हमारा गड्ढा खोद गया। फैंटास्टिक। ये सब पूछ क्यों रहे हैं आप? ये हमें हैंड पंप देंगे। क्या यार तेरा प्रॉब्लम क्या है? मैंने तेरे को बोला ना कि तू बोला मत बिल्कुल। तू हैंडपंप की बात कर रहा है, वो लोग हमें 24 घंटे पानी का कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, पागल हो गए ये? ये ठीक कह रहे हैं? क्या ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। ये ले जाइए और मैदान के बीचों बीच इसे गाड़ दीजिए। नरम मट्टी है, पानी आसानी से निकलेगा। हाँ और फिर रात को 3 बजे उठकर पानी का चक्कर भी नहीं रहेगा ना। और इसमें कुत्ते गिरने का भी डर नहीं है। ये हैंडपंप। हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ।